जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। सरकार हमको कह रही है फिर से हम सेटल पहली बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पाहुजा लॉ एकेडमी। आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास में पूछ रहे थे, और बहुत सारे यूट्यूब्स के अंदर भी लोग पूछ रहे थे कि भाई ये बताइए सर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आफ्टर ट्वेल्थ जो है क्लैट के थ्रू एडमिशन कैसे होगा। बिकॉज जब आप क्लैट का फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस टाइम पर सिर्फ NLU के बारे में डिटेल पूछी जाती है कि कौन से NLU में आपको चाहिए एडमिशन, ठीक है। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो ऐसे ही कई स्टूडेंट्स का कॉल आता है, कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, फिर उसमें ये सवाल होता है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं गया, और क्लैट में और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन क्लैट के थ्रू ही लेना होता है ना, ट्वेल्थ के बाद जो होता है 5 ईयर लॉ, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज इसका जवाब जो है बहुत सारे लोग नहीं दे रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट कन्फ्यूज है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। बिकॉज क्लैट का जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई नाम ही नहीं है, है ना। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई नाम ही नहीं है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे क्लैट के थ्रू में एडमिशन देगी, क्लैट के थ्रू एडमिशन देगी। तो अब आपको इसका डिटेल पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। आप देखिए, ट्वेल्थ के बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पर ये बताया था कि भाई अब हम जो एडमिशन लेंगे 5 ईयर लॉ के अंदर वो क्लैट के स्कोर के बेस पर लेंगे। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्लैट के स्कोर के बेस पे एडमिशन लेंगे। यानी कि जब ट्वेल्थ के बाद, यानी कि जब आप ट्वेल्थ के बाद CUET के थ्रू एडमिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्लैट DU के अंदर जो है CUET के थ्रू एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको BA LLB चाहिए तो BA LLB, BCOM LLB, जो भी आपको चाहिए लॉ से रिलेटेड, तो CUET के अंदर 5 ईयर लॉ जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी, क्लैट के थ्रू कराएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे आप ट्वेल्थ का एग्जाम वगैरह देंगे, उससे पहले या उसके जस्ट बाद, है ना, क्या होगा कि एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में, क्योंकि आपने एग्जाम तो पहले दे दिया क्लैट का, उसका एक स्कोर कार्ड तो आपके पास होगा ना, उसका स्कोर कार्ड होगा। तो आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे नोटिफिकेशन निकालेगी, फिर एक लिंक जनरेट करेगी, उस लिंक पे यानी उस वेबसाइट पे जाकर के आपको अपना अपनी डिटेल पूरी फिल करनी होगी, और आपका क्लैट के अंदर क्या स्कोर था, डायरेक्टली बस क्लैट के अंदर क्या स्कोर था ये आपको वहाँ बताना होगा, और मार्कशीट अपलोड करनी होगी, ठीक है। जैसे आप ये सारी चीज़ बता देंगे तब एक मेरिट लिस्ट आएगी, और मेरिट लिस्ट आएगी तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम अगर होता है तो आपको फीस वगैरह पे करना होगा और एडमिशन आपका हो जाएगा आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चा ये पूछता है कि सर क्लैट के अंदर अभी NLU के बारे में ही डिटेल भरना है हमें, क्योंकि अगर हमें किसी और NLU में नहीं चाहिए और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही चाहिए तो आप क्या करेंगे उसके अंदर। तो आप जहाँ जहाँ नहीं चाहिए वहाँ वहाँ नो कर देना है, जहाँ जहाँ नहीं चाहिए वहाँ वहाँ नो कर देना। अगर यस भी करना है तो कोई बात नहीं, आपको ज़बरदस्ती तो कोई ले नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपको यस भी करना है तो यस कर दो, ठीक है। बट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए आपको तो आप एक नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसके अंदर हम और भी डिटेल आपको जब नोटिफिकेशन आएगी उससे पहले आपको या आने के टाइम तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर ये समझ में आया हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आफ्टर ट्वेल्थ BA LLB BCOM LLB में कैसे एडमिशन होता है, ठीक है, क्लैट के थ्रू, CUET के थ्रू नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ आपको, क्योंकि CUET का एग्जाम देके आप सोचोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 5 ईयर लॉ करोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं हूँ कृष्णा कुमार झा, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।